संसदीय सचिव ने पीपल के झाड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या से हुए रूबरू। संसदीय सचिव ने लगाया जन चौपाल, लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर किया निराकरण। तो कहीं जमीन पर बैठे तो कहीं पेड़ की छांव पर लगा जन चौपाल, लोगों में दिखा उत्साह। नवागढ़ विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे जन चौपाल के माध्यम से लोगों से कर रहे हैं बात। उनकी समस्याएं दूर कर इन दिनों लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, जहां वे बिना किसी तामझाम के सादगीपूर्ण माहौल में गाँव में चौपाल लगाकर लोगों के बीच जाकर क्षेत्र और आमजन की समस्याओं को सुनने के साथ ही निराकरण करने का काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण फरियाद और समस्या से संसदीय सचिव बंजारे को अवगत करा रहे हैं। बंजारे क्षेत्र और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप अनुदान राशि के साथ साथ पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं कर रहे हैं। महामाया प्रांगण झाल बेमित्रा में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या और आवश्यकताओं से रूबरू हुए। चौपाल में ग्रामीणों का उत्साह देखने को मिला, जहां आम जन दिल खोलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी बात कही। ग्रामीणों ने स्वयं की समस्या के साथ गांव की समस्याओं से अवगत कराया और समस्या दूर करने की मांग की गई। वहीं ग्राम पटरभट्टा में बरगद झाड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीण भी अपने विधायक को अपने पास पाकर बहुत खुश हैं। पहली बार इस प्रकार किसी नेता की जमीन पर बैठकर आम लोगों से चर्चा करते हुए पाया गया है। जन चौपाल के माध्यम से उनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं, जिससे लोगों में खुशी है। देखिए, किसी भी जन प्रतिनिधि का काम है कि आम जनों के बीच मौजूद रहे, उनकी समस्याओं से अवगत हो और उन्हें जो समस्या से वो जूझ रहे हैं वहाँ की जनता, जो तुरंत जिसका निपटारा किया जा सकता है उसका निपटारा वहीं तुरंत कर रहे हैं हम गाँव में, और जो बजटेड कार्य हैं उनको बजट के लिए भेज रहे हैं। तो लगभग ऐसे ऐसे कार्य हैं जो वहीं गांव स्तर में निपटाए जा सकते हैं। मेन उद्देश्य मुझे हर गांव के हर गली तक हर घर तक पहुंचना उद्देश्य है, और लोगों से रूबरू होना है और जानना है क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं, किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो लगभग मैंने देखा है कि मूलभूत समस्याओं से लोग परेशान हैं, और इसका मतलब इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो रही है, 15 साल तक रही है, 15 साल में इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। तो अब इसके बारे में क्या कहें, अब समझ सकते हैं आप। जी बिल्कुल होगी, हर क्षेत्र में होगा। यदि आम लोगों के बीच कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है, उनसे रूबरू होकर सुनता है उनकी समस्याओं को, तो निश्चित ही हमारे पास एक आंकड़ा आता है कि किस गाँव में क्या समस्या है, क्या निर्माण कार्य करना है। तो एक डाटा इकट्ठा होता है, उसके हिसाब से कार्य योजना बनती है और काम भी ठीक तरह से होगा।